नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपकी दिवाली कैसे गई? आशा करती हूँ सबके दिवाली बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं बहुत दिन के बाद आज मैं आपके सामने आ रही हूँ। मेरी बेटी की फरमाइश थी, मम्मी आज आप खुद चिकन बनाओ और मैं वीडियो करूँगी, इसीलिए मैं आज एक रेसिपी बना रही हूँ अपने स्टाइल में, मुगलाई चिकन। ये एक नवाबी खाना है, फिर भी मैं ज़्यादा रिच बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ। अपने हिसाब से लेस ऑयल में कैसे मुगलाई चिकन बनाया जाता है, वही चीज़ मैं आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी बेटी को बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा। चलिए शुरुआत करें। ये है, मैं पहले से चिकन थोड़ा मैरिनेट करके रखी हूँ। ये बोनलेस चिकन प्लस बोन चिकन दोनों ही मैंने साथ में लिया है। और इसमें मैंने हल्दी, नमक, थोड़ा दही, कश्मीरी मिर्च और गार्लिक और जिंजर पेस्ट, ये देके मैंने 2.5 आवर्स मैंने मैरिनेशन कर दिया है। अभी मैं इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जब आप तेल गरम हो जाए, आप जब चिकन छोड़ दें, तो ये दही और काजू का पेस्ट है। थोड़ा चिकन फ्राई होने के बाद आप ये उसमें डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं लेस ऑयल में बनाती हूँ, पहले ऑयल देती हूँ। बस ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत सारा तेल डाले तो ही टेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेस ऑयल में भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। थोड़ा तेल गर्म हो रहा है, तो नीचे जम जाता है, थोड़ा हिला ले, नहीं तो सब नीचे जम जाएगा और ऊपर का चिकन सूखा सूखा रह जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें दही और काजू का पेस्ट भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिला सकते हैं, पर मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं फ्राई करने के बाद ही मैं देती हूँ, तो मेरे को लगता है उसमें टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, इसीलिए मैं देती हूँ। बस अभी मैं चिकन दे रही हूँ। सावधानी से चिकन डालें, नहीं तो ऑयल छिटक के आपका हाथ में आएगा। हर समय सेफ्टी फर्स्ट रखिएगा। बस अभी कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से फ्राई करें। ये थोड़ा 15 मिनट्स, हाफ एन आवर जैसा इसको थोड़ा फ्राई करना है। इसके बाद अगर अभी आप काजू का पेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा फ्राई होने के बाद दीजिए, उसका टेस्ट और अच्छा आएगा, इसलिए मैं थोड़ा देर बाद देने वाली हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ढक दूँगी, इसको थोड़ा मैं ढक दूँगी, एकदम स्लो आंच में इसको 15 से 20 मिनट होने दें, उसके बाद ये काजू और दही का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये अभी चिकन में से पानी निकलने लगा है, थोड़ा अभी फ्राई होने चला है और थोड़ा बिठाना पड़ेगा। ये इस स्टेज में ये 15 मिनट हो गया है, मैंने बीच में इसको हिलाया था। अभी इस स्टेज में हम काजू और दही का पेस्ट और थोड़ा चिकन मसाला ये हम ऐड करेंगे। अभी और अभी ये काजू और दही का पेस्ट, मुगलाई थोड़ा मुगलाई जैसे तो थोड़ा टेक्सचर तो आना चाहिए ना। इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के रखे रहिएगा। अगर आपको पानी लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के आप डाल सकते हो, अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हाई कर दीजिए और उसको अच्छी तरह से हिलाइए।
बस अभी इसको पकने के लिए छोड़ दें और 15-20 मिनट पकने को लगेगा। बोनलेस है, जल्दी पक जाता है, फिर भी आप टाइम लेके अच्छी तरह से उसे पकाइए। और थोड़ा जब फ्राई, जब पानी जब थोड़ा मर जाए, फिर वो जब तो जब फ्राई हो, तेल जब ऊपर आए तो उसी टाइम आप अगर पानी अगर देखें थोड़ा, एक चिकन निकाल कर देखें अगर गल गया है तो फाइन है ना, नहीं तो थोड़ा सा आप ये उसमें थोड़ा पानी डाल के आप दे सकते हैं। लास्ट में थोड़ा कसूरी मेथी हाथ में थोड़ा इसको करके लास्ट में जब आप गार्निशिंग करोगे तो कसूरी मेथी डालेंगे। ये लगभग आधा घंटा तो लगता ही है। अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हो तो हाफ एन आवर श्योर टाइम लेके अच्छे से बनाइए और उसके बाद टेस्ट करके मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। देखिए अभी पानी इसमें चिकन में से पानी निकला है, ये पानी और थोड़ा सूख जाएगा। अभी देखिए ये चिकन अभी धीरे धीरे उबल रहा है और 10 मिनट्स के बाद और 10 मिनट्स लगेगा और थोड़ा पानी सूख जाएगा तो ये चिकन हो जाएगा और थोड़ा ढक के 10 मिनट पकाना है। अभी देखिए इसमें तेल ऊपर आ गई है, इसका मतलब अभी चिकन हो गया है, पानी सूख गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी देंगे तो उसका सुगंध अच्छा आएगा। हाथ में ऐसा मसल के कसूरी मेथी डाल दिए और उसको हिलाइए मत, उसको थोड़ा ऐसे मसाला अंदर जाने दें। और अभी इसको बंद करके स्टैंडिंग टाइम 10 मिनट दें और उसके बाद ऐसे मसाला पराठा बनाइए। मसाला पराठे के साथ मुगलाई चिकन आप एंजॉय करें और खा के बताइएगा कैसा हुआ और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा हुआ है। अब साथ एंजॉय करें, नहीं तो प्लेन पराठा भी चलता है, पुलाव प्लेन चावल जैसे आपकी मर्जी आप उसके साथ खाएं, खाके टेस्ट करके बनाएं और टेस्ट करके मुझे ज़रूर कमेंट्स में बोलिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।